तो दोस्तों पूजा पाठ अच्छे से संपन्न हो चुका है और हम लोग आ चुके हैं अपने कैंपस में। यहीं से हम लोग चंद्रदेव को अर्घ देंगे। पतिदेव भी तैयार हो चुके हैं। बहुत मैं क्या ही तैयार होता हूँ भाई, मैं इनके चक्कर में इनके पीछे पीछे, क्योंकि छोटी सी बच्ची तो आप समझ सकते हो, जहाँ जाइए जाती है वहाँ वहाँ जाना पड़ता है, उसको संभालना पड़ता है। बट अभी सच बताऊँ तभी क्या है कि चंदा मामा आने वाले थे और अभी 8:14 मिनट चंदा मामा अभी तक आए नहीं और पूरा अंधेरा छाया हुआ है तो रिंग लाइट है चंदा मामा अगर नहीं दिखेंगे तो भाई यही देख के अब बहुत वो हो रहा है, ऐसे लग रहा है ना पूजा पाठ जैसे हो गया तो अब जल्दी से चंदा मामा आ जाए। काय मेरी बीवी को परेशान किया यार, चले आओ। सबसे पहले करेंगी सासू माँ, यानी हमारी माता जी करेंगी, निशा जी सासू माँ। तो यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पे खड़ी है, सब सामान निकाल रही हैं। पापा भी आ चुके हैं और पहली बार हमारी माता जी भी की हुई है, तो कैसा लग रहा है आपको बोलिए? बहुत अच्छा। बहुत अच्छा लग रहा है? अरे वाह। यहाँ पर देखिए सारा फल सब्जी सब कुछ निकाल रही है। और ख़ास बात यह है कि चंदा मामा भी हमारे नज़र आ गए हैं, लुक छिप करते करते फाइनली नज़र आ गए हैं चंदा मामा। सबसे पहले माता जी दे देंगी और उसके बाद निशा भी देगी। पापा कहाँ गए? पापा को मम्मी सॉरी बोलती है। मम्मी को पीछे कर दूँ क्या? तो भाई चंदा मामा को माता जी यहाँ पे दे रही हैं, देख लीजिए। हाँ जी, हाँ जी, और माता जी को जा मम्मी करीब जा शॉर्ट स्लो। मिठाई खिलाइएगा अपन नाम कीजिए मुड़ी पट्टा तो गाइस यहाँ पे जब मैं सोचा कि चलो अब जब करवा चौथ का शूट हो ही गया तो क्यों ना मम्मी पापा का एक दो कुछ मेमोरेबल रील बना दूँ। तो मैं पुराना गाना पापा को सुना रहा था, पूछा भी पापा से कि कोई याद है तो बताइए, क्योंकि पापा को पुराना गाना बहुत पसंद है। तो अब यही चल रहा है पूरा, और यहाँ पे मैं उन लोग का रील वील थोड़ा सा बना रहा था, बाकी आप लोग इंस्टाग्राम पे देख लीजिएगा। इस माँ को अर्घ दिलाने के बाद अब बारी थी हमारी, और माँ को थोड़ा सा गाइड भी करना पड़ा था, क्योंकि फर्स्ट टाइम माँ कर रही थी और कभी आज तक की नहीं, तो उनको कुछ आइडिया भी नहीं था, तो इसीलिए निशा ने तो करा दिया। और अब बारी हमारी है, तो मतलब 8:30 लगभग बज चुके हैं और अब हम लोग करेंगे, मतलब हमारे लिए भी फर्स्ट टाइम है, बट थोड़ा सा अजीब लग रहा है। और बट अंदर से जो थी ना कि
मतलब निशा भी थोड़ा बहुत टेंशन में थी क्या करना है क्या नहीं करना है, और पायल थोड़ा बहुत गाइड करी थी, जो हमारी मेकअप आर्टिस्ट थी पायल जो आई थी घर के बगल की है, बहुत प्यारी सी बच्ची है, तो ये थोड़ा बहुत देखिए करवा चौथ, तो वो भी थोड़ा बहुत हमें गाइड कर दी कि कैसे क्या करना है कैसे क्या नहीं। तो सबसे पहले यहाँ पे चंदा मामा जो थे उनको जल देना था अर्ध, जैसे हम लोग सूर्य देवता को देते उसी तरह उनको, और उनसे आशीर्वाद लेके फिर पति देव को मतलब पूजा करते एक तरह से, जो आप समझ लो इसी तरह का कुछ रिचुअल्स होता है। तो अब यही चीज़ चल रहा था और बहुत ही खूबसूरत नज़ारा भी लग रहा था यहाँ से, एकदम चंदा मामा नज़र आ रहे थे और एक पल के लिए तो दिख ही नहीं रहे थे, तो बहुत टेंशन थी। और बहुत जगह मैंने देखा ना मतलब कि चंदा मामा आए ही नहीं थे, कहीं कहीं कॉल हो रहा था अरे यार अभी तक दिख ही नहीं रहे, कहीं बारिश हो रही है, बट टचवुड मतलब प्रथम बार की है पहली बार और चंदा मामा साथ दे दिए, ज़्यादा परेशान नहीं किए और तुरंत ही आ गए। तो मैंने बोला कि देखो ये हमारे लिए और तुम्हारे लिए आ गए बहुत जल्दी यहाँ पे, थोड़ा बहुत मस्ती मजाक भी चल रहा था इसी के बीच हम लोग का, और निशा यहाँ पे कर रही है पूजा। जयमाला के समय इतना ही हुआ था तब तक मारपीट हो गया, झगड़ा हो गया, ठीक है हुआ था तब तक फरिया लिया था, नहीं मिठाई खिला देते, मिठाई हम खिला देते और लड़की सब खिला देते। उधर से ले लो, अच्छा पानी पिलाइए, देख लीजिए अभी देखिए, अच्छा तो उधर कैसे पिएंगे, नीचे उठाइए अपने से उठाइए, एक हाथ से खाली पकड़िए, एक हाथ से हाथ खाली दोनों को पकड़िए, एक हाथ से एक ही हाथ से पकड़ लेगी और वहाँ पर हाथ रखेगी तुम, इसको पकड़ने नहीं आ रहा है। लाई है? अच्छा नहीं जा रहा है? आपने फाइनली पानी पी लिए है? ऊपर क्या? माय गॉड! शंकर जी से जल डालते चला गया। लो 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 और पानी पी लो, बहुत भूखी प्यासी है। अरे पूरा मेकअप उसको टेंशन कहीं मेकअप मत दो जाए नहीं देगा तुम्हारा, मिठाई खिला दीजिए, करी हो गया मिठाई खिला दीजिए, लो सिंघारा का ये खोवा का मिठाई है, बहुत महंगा मिला है, स्पेशल लेके आया हूँ खिलाने के लिए, थोड़ा सा ही खिलाइएगा, थोड़ा सा खिलाओ, हाँ भाई महंगा है इसलिए, अब आप भी खिला दीजिए उनको, आप प्रणाम कीजिए, प्रणाम करो जल्दी से, गोरे नहीं छूती यार जल्दी जल्दी, मिठाई हम नहीं खाते हैं उतना तो नहीं खाएंगे हम, वो खुद ही पता है भाई मैं मीठा नहीं खाता, रखो रखो ऐसे रखो, हाँ शाबाश गुड फीलिंग वेल, उड़ जाओ उड़ जाओ, भाई बहुत खुशी मिलती है कि पर्व त्यौहार के दिन ही हमारा चरण छूती है, ऐसे तो धमकाती रहती है बट ये तो मैं मस्ती मजाक कर रहा था, अच्छा हमारे सूर्य देव माता रानी का आशीर्वाद हम दोनों पे बना रहे और ऐसे ही ये कारवा चलते रहे जन्म जन्मांतर, हाँ क्या क्या बोलते हैं, उतना डायलॉग डिलीवरी करने तो नहीं आता बट हाँ ये चीज़ है टच वुड, आप लोग भी हमारे लिए प्रे कीजिएगा, हम भी प्रे कर लेंगे आज, जय माता दी, सबको सुरक्षित रखे, सबके कारवा मां सुहाग, चंदा मामा में हमारे चंदा मामा
मामा गवाह हैं हमारे प्यार के, ठीक है मामा आज गवाह बने हैं, मामी मेरी अफौर में। Hey guys, तो बज चुके हैं रात के 11 और यहाँ पर देखिए अब हम लोग पहुँच चुके हैं फाइनली डिनर पे। पायल को भी हम लोगों ने अच्छे से खाना पीना खिला दिया क्या जी हैं, और ये देखिए क्या क्या बना है। सबसे पहले रुकिए मैं आपको खिलाऊंगा, भाई इतना मेहनत किया तो हम खिला देते हैं आपको। रुकिए पहले खीर देखिए, खीर है ये आलू गोभी की सब्जी टमाटर डाल के, और ये क्या है चना आलू का, चना आलू का, और ये है अंकुरित अनाज खाना चाहिए। बाकी आज बहुत प्यारी लग रही है यार, कुछ भी कहो पायल खोल बोल दिया, अच्छा मेकअप की थी। तो चलिए थोड़ा सा खिला दें इनको, आप भी देखिए प्यार, देखिए प्यार लाइए देखो, हम इतना बड़ा तोड़ा तो उसको हिती चुकी कर दिया, तब तुम्हारा मुँह तो हती चक है। खिलाइए खिलाइए